कुकिंग की दुनिया में अगर आप बिगनर्स हैं या एक्सपर्ट हैं, किचन की साफ सुथराई आपको साथ के साथ करनी ही पड़ती है, जो कि आप एक किचन को बहुत खूबसूरत बना देती है। अगर आप भी कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। टिप नंबर वन ये है कि जब भी आप या आपके फैमिली में से कोई भी खाना खाए, तो आप फौरन से बर्तनों को समेट दें और टेबल को साफ करके जो भी बर्तन है साथ के साथ वॉश कर दें, क्योंकि जब सिंक में बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो वो फिर किचन बहुत बिखरा हुआ लगता है और फिर बर्तन आपको धोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, और अगर जब कोई अचानक से आपके किचन में आएगा तो उसको बहुत मैसी फील होगा। इसलिए आप बर्तन को साथ के साथ वॉश कर दें, और बर्तन वॉश करने के बाद अगर आपने फ़ौरन से कैबिनेट में रखना है ना, तो उसको वाइप लाजमी कर लें। सम टाइम हमें किचन को साथ के साथ समेटना होता है, बर्तनों को क्लोज़ करना होता है, और अगर आप गीले बर्तन को कैबिन के अंदर रखेंगे तो फिर आपके कैबिन भी ख़राब होंगे, शीट अगर आपने कैबिन में रखी है वो भी ख़राब होगी। तो इसलिए बेहतर है आप एक कपड़ा पास रखा करें और साथ के साथ वाइप करके उसको तब कैबिन के अंदर रखें। टिप नंबर थ्री ये है कि जब आप बाज़ार से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेकर आएँ, तो उसको पहले ही वॉश करके फिर उसे फ्रिज में रखें, कि फ्रिज में पड़ी बाकी चीज़ें भी जम से महफूज रहें। जब हम सलाद बनाते हैं तो कैबेज या आइसबर्ग का यूज़ होता है, अक्सर ब्रोकली का भी यूज़ होता है, और ये इतनी सेंसिटिव वेजिटेबल्स होती हैं कि अगर हम इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दें तो ये मुरझा सी जाती हैं, और आइसबर्ग के जो लीव्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। तो उसका बेटर सोल्यूशन ये है कि आप क्लिंग शीट लें, रैप इसको अच्छे से रैप करें, और रैप करके फिर इसको फ्रिज में रख दें। फिर आप जिस तरह मर्जी यूज़ करें, जितनी मर्जी दिन इस्तेमाल करें इसको, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, एज इट इज़ फ्रेश ही रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि हरी मिर्च को हम कैसे स्टोर करें। अक्सर हमारे घर में हरी मिर्च बहुत ज़्यादा आ जाती है और हरी मिर्च का यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको फ्रिज में भी रखें, फिर भी हरी मिर्च जो है ना वो ब्लैक होने लग जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने सबसे पहले एयर टाइट जार लेना है, या कोई भी बर्तन एयर टाइट ले लें, तो इसकी जो हरी मिर्च के ऊपर से जो डंडी होती है ना, इसको आपने तोड़ देना, तोड़ के तमाम हरी मिर्चें आपने इसके अंदर रख लेनी है बस, और फिर उसके बाद आपने एयर टाइट बर्तन को क्लोज़ करके आपने चाहे फ्रिज में रखें। इस तरह आपकी ग्रीन चिलीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और इजीली स्टोर भी हो जाएंगी, है ना। ये मेरी बहुत अच्छी टिप, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये स्पून स्टैंड तो सबके पास होता है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है, लेकिन इसमें से स्पून निकालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और सब स्पून एंड फोक आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आप डिवाइडर ले आएँ या फिर कोई DIY कर लें। अगर आपको कोई DIY चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर आपके साथ कोई आइडियाज़ शेयर करूँगी। मैंने इस तरीके से इसके अंदर स्पून रखे हैं और मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इजीली आप स्पून या फोक ले सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि हमारी किचन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। दालों या फिर मसालों के लिए सभी जार्स यूज़ करते हैं किचन में, और अगर जब आपकी कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको रीफ़िल करने से पहले अपने जार्स को एक दफ़ा लाजमी वॉश कर लें और धूप में सुखा लें, तब उसको रीफ़िल करें। इस तरह करने से ये होगा कि आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ के साथ चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। रीफ़िल करने के बाद शुगर पॉट में जब हम स्पून रखते हैं, उसे कभी भी इस तरह सीधा मत रखें, ना ही उसको इस तरह रखें, उसको हमेशा आप उल्टा रखें और इस तरह अंदर करेंगे अगर आप, तो फिर इजीली आपका ऊपर से लिड क्लोज़ हो जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप इजीली किचन को मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोवेव का यूज़ तो सभी करते हैं, लेकिन इसको साफ़ सफाई करने में हमें बहुत मुश्किल होती है। जब आप स्टोव साफ़ करें डेली, आप एक दफ़ा माइक्रोवेव भी अगर साफ़ कर लें तो आप डीप क्लीनिंग से बच जाएंगे। हमारे फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फ्रिज की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है, जो कि एक दूसरे खाने में आ जाती है। तो उसके लिए आसान टिप ये है कि आप कोई टिश्यू ले लें या फिर कोई भी न्यूज़पेपर ले लें और उसको थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर मीठा सोडा डाल के और उसको इकट्ठा करके आप फ्रिज के अंदर रख दें, तो फ्रिज में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही स्मेल दूसरे खानों में भी जाएगी। आप इस टिश्यू को फ्रिज के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ, इससे कोई इशू नहीं है। बस ये बहुत ही अच्छी और यूज़फुल टिप है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।
अच्छा, नेक्स्ट ये कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि पानी की जो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं उनको उठा के कूलर में डालना या फिर डिस्पेंसर के ऊपर रखना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत भारी होती है। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट दराज पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ये मंगवा सकते हैं। इसको बस एक दफ़ा चार्ज करके आप बॉटल के ऊपर लगा लें और ईज़िली आप पानी इससे ले सकते हैं, भारी भारी बॉटल्स को उठाने की आपकी मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप ये कि बर्तन धोने के बाद आप स्पंज को अच्छे से निचोड़ के फिर रखा करें। अगर स्पंज को हम ऐसे ही रखते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। किचन के जब सारे काम ख़त्म हो जाएं तो एक दफ़ा लास्ट में आप सिंक को लाजमी अच्छे से वॉश कर लें। इस तरह ये है कि सिंक हर वक्त चमकता ही रहेगा, कभी भी इस तरह गंदा नहीं होगा, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखें तो आप डीप क्लीनिंग से बच सकते हैं और आपकी जो टाइम है वो भी सेव हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।